हे फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। तो मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और मेरा फेस थोड़ा सोया सोया लग रहा है ना, तो क्योंकि मैं सो के ही उठी हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में जल्दी उठी थी इस वजह से मैं थोड़ा सो गई थी। तो अभी उठी तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोग को। ऐसे मेरा ब्लॉग आप लोग थोड़ा कम देखते हो और शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखते हो, इसलिए मैं शॉर्ट ही ज़्यादा डालती हूँ और ब्लॉग कम बनाती हूँ। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चलो, काफ़ी दिन भी हो गए हैं ब्लॉग नहीं किया मैंने, ब्लॉगिंग नहीं बनाई, तो आज मैं फाइनली ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स कटहल की सब्जी। हाँ जी, आप में से बहुत जन को पसंद भी होगा, मुझे भी पसंद है, बना लेती हूँ। तो आप में से किसको किसको पसंद है कटहल की सब्जी, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। आप सबको जस्टिंग कर भी रही हूँ, तो ओके, तो जुड़ी रहिए मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ आपको। हे गाइस, तो ये देखो, ये है कटहल और ये स्लाइसेस में कटा हुआ ही लाए थे मैं इसमें। यहाँ पे कभी कभी पूरा पीस मिलता है जिसको हम लोग को कट करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ये कटा हुआ ही है तो मेरे को ईजी पड़ा इसीलिए, क्योंकि इसे काटने में तो बहुत मेहनत लगती है। जो बनाते होंगे उनको ऑफकोर्स पता होगा, तो मेरे को तो ये ईजी ही पड़ा क्योंकि ये कटा हुआ है स्लाइसेस में। मेरे को बस देन अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर इसको फ्राई करना है और इसमें कुछ भी मसाले वगैरह मिक्स नहीं करने हैं। ओनली तो इसमें हम देंगे ये कटे हुए प्याज और ये अदरक और लहसुन हरी मिर्च, और हम इसमें ये दो टमाटर मैंने काट के रखे हैं। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, साबुत मसाले जैसे कि फ्रेंड्स। तो ये वाली सब्जी हम आज कुकर में बनाने वाले हैं, कढ़ाई में ये सब्जी थोड़ी लेट से पकती है, इस वजह से हम आज ये कुकर में बनाएंगे। और ये देखिए आप, ये जो है वो रोस्ट हो चुका है, इसे हमें 5 to 10 मिनट्स ही पकाना है। ये देख सकते हैं आप, बस अब गैस का फ्लेम जो है हम इसे ऑफ कर दें। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हमने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ऑयल थोड़ा हल्की सी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये सब्जी में तभी ये थोड़ी टेस्टी बनती है। और ये देखो, ये है तेज पत्ता, ये जीरा और ये है लाल मिर्च, लवंग, इलायची, गोल मरीच, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें ऑयल गर्म है अच्छे से, तो अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने सारे प्याज डाल दिए हैं और अब तो आपको पता ही है जैसे मैंने डाला सारा प्याज, और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और तब तक हम चलिए यहाँ पे ये जो अदरक लहसुन था उसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अब इस स्टेज पे हमने ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया है वो भी ऐड कर देंगे। तो हे फ्रेंड्स, फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन, थोड़ी कम लगे तो 1.5 डाल दीजिए आप बस। और अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और देन अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। उस दिन सोया चॉप की सब्जी में मैंने मसाले ऐड करना, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हुआ ना, अगर मैं नहीं डालती तो मेरा मसाला पूरा जल जाता, तो इस वजह से। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और ये एवरेस्ट का गरम मसाला। ये देखो फ्रेंड, अब इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है और बेसन तो आपके सामने मैंने ऐड कर ही दिया, और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और देन अब हम इसमें और ये जो गरम मसाला है उसका हमने ऐसा पेस्ट बना लिया है, और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्ची पाउडर और सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है अभी मैंने, क्योंकि टमाटर को गलने में अच्छा रहेगा इस वजह से। ये देखिए, हमने इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर ऐड करना, ज़्यादा खाना ज़्यादा खाते हैं कि कम खाते हैं।
और जो ये रेसिपी है ना, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है कुकर में। कढ़ाई में तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और मैं इसीलिए इसे कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में आराम से आसानी से ये एक दो तीन सीटी में पक जाती है लगभग। तो अब हम इसे जो है वो अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसमें बेसन डाला है तो नहीं भूनेंगे अगर ज़्यादा तो उसमें स्वाद आएगा, इसीलिए तो हम इसमें भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारी जो मसाला है वो फाइनली भून चुकी है, और कुछ इस तरह की हो चुकी है, और ऑयल भी पूरा देख सकते हैं निकल चुका है, छोड़ दिया है ऑयल। कटहल था, कटहल के पीस वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसे में पूरे कटहल डाल के और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसे मीडियम फ्लेम पे रख के और कुकर को बंद कर दिया है, और अब हम इसमें 3 से 4 से देखिए। तो हमारी जो सब्जी है वो बन के तैयार है और अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। गाइस, तो मुझे तो फाइनली लग गई थी जोरदार भूख, तो इसीलिए मैंने अपना जो है खाना वो निकाला, क्योंकि मैंने सुबह में ही सिर्फ खाया था और मैं सो गई थी इस वजह से, तो मैंने खा ली। तो कैसा लगा फ्रेंड आपको ये मेरा वीडियो, ज़रूर बताना। और अभी तो मैंने नया स्टार्ट किया है, बट अभी से ही बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जनों का ज्ञान जो है वो आने लगा है फाइनली। पहले मैं देखा करती थी दूसरे की वीडियो पे कि सच में ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं, तो लेकिन अब तो मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे दिख ही रहा है कि मैंने स्टार्ट ही करा है और इतना सब ज्ञान देने लगे, कुछ नया बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। अरे भैया, मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं वही बना रही हूँ। ऐसे मैं नहीं चाहती थी कि ये सब अभी मैं तो स्टार्ट, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। और एम एस टकाटक पे जो मेरा वीडियो है उसमें बहुत सारे हैं जिनकी वजह से मैंने ये एम एस टकाटक के आईडी की वजह से ही मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर फ्रेंड अगर आप किसी को इंक्रीज नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते किसी के बारे में, तो प्लीज़ यार किसी को आप डीमोटिवेट भी मत किया करो, कुछ भी कमेंट मत किया करो इसमें, और कुछ भी किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी को कुछ सोच समझ के ही बोलो, क्योंकि देन आपको भी कोई रिप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं अभी बहुत जन को रिप्लाई नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने अभी नॉर्मली यार वो 200 वीडियो भी नहीं डाला है, कम ही डाला है। इसमें ही लोगों को इतनी खुंदक पड़ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती देन, लेकिन मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो मैंने आज छोटा सा बोल दिया, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बट यार अगर आप किसी को अच्छी बात नहीं बोल सकते हो तो खराब कमेंट भी मत किया करो। और जो मुझे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड। अगर कुछ को बताया है कि सीख ही रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का और करने का, तो आप किसी को ऐसे मत बोला करो यार, बुरा लगता है। ओके, तो देन मिलते हैं नए वीडियो में, और मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बनाऊंगी ही वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, जो अच्छे लोग हैं से बात करना, वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, तो वो तो मैं बनाऊंगी ही। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।